एक्वागार्ड जा चुका है, इसलिए यहाँ पे रखा है मैंने वाटर फिल्टर फॉर 2-3 डेज़। एंड ये है मेरा राशन 2-3 दिनों का। दोपहर को बनेगा दाल एंड आलू भाजा एंड राइस, बस और क्या कर सकते हैं। शाम को शायद हम लोग कई बार खा लें, बट ट्राई करेंगे कि एक कोशिश करेंगे कि एक बार एटलीस्ट लंच या डिनर हम लोग घर में खा लें। पूरा दिन भर अगर बाहर खाते रहेंगे 6-7 दिन तो मुश्किल हो जाएगा उसको कंप्लीट करने के लिए। सो देट विल बी ओवर। सो मैं यहाँ पर आई हूँ। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज नेक्स्ट डे है आफ्टर माई थिंग्स, मतलब मेरे जो सामान चले गए हैं उसके बाद वाला दिन है। आप देख सकते हैं मेरा घर पूरा खाली है, जो कि मुझे बहुत बेकार लग रहा है पूरा खाली है। बट यहाँ पे मैंने कुछ कुछ सामान ही रखा है जो कि मेरे को एटलीस्ट 2-3 दिन तक, जब तक मैं नहीं जाती हूँ तब तक मेरे को हेल्प करेगा। एंड क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो भी सामान यहाँ पे है उसको मेरे को रख के ही जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सब कुछ अगर लेके जाएंगे तो दिन भर मैं पूरा मतलब लंच डिनर ब्रेकफास्ट तो बाहर से नहीं कर सकते ना हमेशा। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। एक कढ़ाई मैंने बोरो किया है मेरी नेबर से, ये वाला मैंने बोरो किया है। बाकी सब सामान ये मेरे ही हैं जिसको मैं यूज़ करके यहीं पे छोड़ के जाऊँगी। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 बज रहे हैं एंड ब्रेकफास्ट मैंने अभी तक किया नहीं है, लेट हूँ क्योंकि समझ ही सकते हैं क्योंकि थिंग्स नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं मेरे पास। तो जो भी है उसी से काम चला रही हूँ। दैट इज़ द वाटर फिल्टर मैंने अभी लेके रखा है क्योंकि एक्वागार्ड है नहीं। सो यस, बस अभी दाल चावल बनेगी दोपहर को, दाल चावल एंड आलू भाजा। एंड होप प्रोबेबली हम लोग बाहर जाएंगे, फिर शाम को रात का डिनर शायद बाहर ही करें। एंड यस, कुछ कुछ चीज़ें हैं, शॉपिंग है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाली हूँ आज। तो स्टे ट्यून्ड, इस पूरी वीडियो को देखते रहिए, देखिए मैं क्या क्या करती हूँ आज। अभी जा रही हूँ मैं सैलॉन में। सो माय हबी हैज़ टेकन एन अपॉइंटमेंट फॉर मी, तो थोड़ा सा मेक ओवर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी हबी का ग्रूमिंग हो चुका है लेकिन मेरा नहीं हुआ है, सो इसलिए मैं भी जाऊँगी। कुछ अगर कर सकते हैं, लाइक अगर कुछ हेयर कट हुआ, कुछ भी हो, सो लेट्स ट्राई इट और जाते हैं सैलॉन में। लेट्स डू अ न्यू मेक ओवर फॉर द न्यू प्लेस। फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मेरे हबी के साथ मैं निकली हूँ बाहर। सो गाड़ी मारी नहीं है, दिस वी हैव टेकन एज रेंटल्स फॉर 2 डेज, फॉर 2-3 डेज जो भी हो। तो एनीवेज, दिस विल बी लास्ट राइड इन कोलकाता बिफोर गोइंग टू, बिफोर रिलोकेटिंग। मेरा सैलॉन, दिस इज़ माई फाइनल लुक। ये ऐसा है, कैसा है बताइए। सो जाने के पहले मैंने सोचा वाई नॉट कोलकाता में, उसके बाद फिर मैं कभी सैलॉन वगैरह में आ नहीं पाऊँगी। सो आई मेट विद देम एंड ये मेरा लास्ट मेक ओवर होगा कोलकाता में। है हम लोग वन मोर सरप्राइज के लिए, क्या है, क्या है, टेल मी। iPhone 14। सो iPhone 14 बहुत दिनों से चल रहा था, लेंगे लेकिन लेना नहीं हुआ था, तो दिस विल बी iPhone 14। सो लेट्स सी कि कौन सा कलर मिलता है, विच वन इज अवेलेबल, सो वी विल टेक दैट। के देखा वही हम और एक सरप्राइज है।
मैं गई थी ज्वेलरी शॉप में टू बाई माई हबी बॉट मी अ रिंग, एक रिंग मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट जो कि पेंडिंग था क्योंकि हबी यहाँ पे थे नहीं। सो मैं शॉप में एज यूजुअल शॉप में जाना फोन देखी जाऊँ तो शॉप में अलाउ नहीं करते हैं, फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने एक रील के लिए छोटा सा एक वीडियो बनाया रिक्वेस्ट करने के बाद, तो उन्होंने जस्ट थोड़ा सा रील बनाने के लिए दिया। बाकी जो रिंग है कैसा मैंने रिंग लिया वो मैं घर में जाके आपको दिखाऊंगी। हाँ ना, ये मतलब पूरा जाबोती जिनिस हमें जो खुले दीता ना तले यार सो मैंने मेरे हबी के लिए भी गिफ्ट लिया है बट हबी ने अभी तक पहना नहीं है। सो मे बी अगर हम लोग कहीं कल घूमने जाते आज तो सिर्फ काम ही काम हो गया, जैसे मैं सैलून में गई फिर फ़ोन खरीदना हुआ फिर मैंने जो खरीदा है रिंग खरीदा है सो यही सब हुआ। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि घूमना फिरना वैसे नहीं हुआ, सिर्फ काम ही हुए। तो अगर हम लोग कहीं निकलते हैं कल तो माई हबी विल ऑल्सो वेयर द शर्ट विच आई हैव गिफ्टेड हिम। सो टी शर्ट्स एक्चुअली, शर्ट नहीं शर्ट्स जो गिफ्ट किया है। सो लेट्स सी कल अगर निकल पाते हैं, कल निकलेंगे क्योंकि कल लास्ट डे है, आफ्टर दैट उसके बाद फिर वीकेंड्स, तो वीकेंड्स में शायद हम लोग हो ना इसलिए। मैं आ गई हूँ घर और बस आज का वीडियो मैं यहीं पेंड करूँगी क्योंकि पूरा दिन भर मैं बाहर थी, मतलब दोपहर से लेके बाहर थी, बिल्कुल थक चुकी हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मतलब जो मैंने मेरे को एनिवर्सरी में गिफ्ट जो मिला, मेरे पास ना सेल्फी स्टिक है ना मेरे पास मैंने बोला रिंग लाइट है, कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं पर स्टैंड करके मैं दिखा सकूँ, बट आई विल ट्राई टू शो कि जो मैंने लिया है। सो दिस इज इट, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, आई शो इज इट, दिस द रिंग, या इट्स अ डायमंड रिंग। तो ये है जो मेरे को एनिवर्सरी में मिला, आई गेस दिख रहा है। सो ये आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज सिर्फ गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स मिले, सिर्फ शॉपिंग किया जो कि मेरे को बहुत पसंद है, शॉपिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हबी नहीं थे तो फिर होता भी नहीं था, तो अभी आए हैं तो हम लोगों ने शॉपिंग किया, लास्ट कोलकाता शॉपिंग एंड इसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद फिर जहाँ जाएंगे वहाँ पे शॉपिंग होगी। सो दिस वॉज लास्ट शॉपिंग ब्लॉग ऑफ माई कोलकाता, मतलब जो भी शॉपिंग किया वो यहाँ का लास्ट था। हाँ है कि ओके गाइस, तो आज का वीडियो मैं यहीं पेंड कर रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ।